मैया सब कुछ पूछिए जय मत पूछिए क्यों 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 एक काला का लूटा आया रुक्मणी को साथ ही बिठा कर नरसिंह में ले गया। कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, भगवान के अलावा कोई नहीं होगा। पीछे ही भागे कायरे नीच खड़ा हो जा, मैंने क्या खड़ा हो जा। रथ से बांध दिया रुक्मणी, हाथ जोड़ करके मेरे भैया को छोड़ दो, अगर भैया को कुछ हो गया तो ये लड़की मुझे जीने नहीं देगी, भैया को छोड़ दो। तो प्यारे श्रोता बंधु, आज रुकम को छोड़ दिया, रुकम शिषपाल के पास आया, जवाब दिया जीजा बताओ जीजा कहाँ है गो रुक्मणी है ना है। क्यों कन्हैया ले गया, चला चलते युद्ध करेंगे। पीछे ही भागे तब तक उधर क्या देखा है बलराम ने, अभी तक नहीं आया कन्हैया, एक लड़की का पत्र आया था, हमें लगता है वहीं चला गया, अभी तक नहीं आया। उसी समय चले हैं, तब तक कन्हैया आ गए, लड़की को देखा, पूछने लगे कौन
रुक्मणी बोली इनकी कोई गलती नहीं है, मैं इनकी दीवानी थी, मैंने इनके लिए पत्र भेजा, पत्र के अनुसार ये मुझे लेने गई, इसलिए इनसे कुछ मत कहिए। रुकम आज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, इसका भाई मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार है, का ऐसा करो लड़की को अंदर ले जाओ। तुरंत रुक्मणी को अंदर लेकर के गए और आज शिशुपाल और रुकम बलराम में घमासान युद्ध हुआ। बलराम ने सारी फौज को पराजित कर दिया, रुकम और शिशुपाल ने प्रण किया अगर रुक्मणी को लेकर के नहीं गए तो कुंदनपुर चनेरी में नहीं जाएंगे। युद्ध हुआ, सारी फौज को पराजित कर दिया, जब फौज को पराजित कर दिया है तो लौट करके कुंदनपुर चनेरी में शिशुपाल और रुकम नहीं गए। इन्होंने एक नगर बसाया है जो भोजकट नगर, जो आज भरतना के नाम से जाना जाता है, जो जिला इटावा में पास में ही है, सब जानते हैं। ये रुकम और शिशुपाल का ही बसाया हुआ है, याद रखना। लौट करके कुंदनपुर चंदेली में नहीं गए, प्रमाण ये मिला है। बाद में भीष्मक ने अपने घर में बुला करके विध विधान से रुक्मणी की शादी की है, तो भगवान की पहली शादी रुक्मणी के साथ, दूसरी जामंती के साथ, तीसरी कालिंद्री के साथ, चौथी सत्या के साथ, पांचवी सत्यभामा के साथ, छठवीं सुत कीर्ति के साथ, सातवीं मित्रविंदा के साथ, आठवीं भद्रा के साथ शादी कितनी हो गई? आठ। और जो जो उमासुर नाम का राक्षस था, इसके कैद में 16,100 लड़कियां बंद थी, इसने प्रण किया था जब तक 20,000 नहीं हो जाएगी तब तक मैं विवाह नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो प्यारे श्रोता बंधु, उससे युद्ध किया, चार दीवार को तोड़ा, उसमें से लड़कियों को निकाला। सब लड़कियां बोली क्या करें, तो कहा है कन्हैया अब हमें आप अपने ही साथ रखो। तो कन्हैया ने लड़कियों के साथ विवाह किया, तो शादी कितनी हो गई? 16,108। और प्रमाण ये मिला है, गर्ग संहिता का प्रमाण है कि एक शादी राधा के साथ हुई, जो ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में कराई थी। ये प्रमाण भागवत का नहीं है, गर्ग संहिता का है। वो आदि शादी कुबजा के साथ हुई, तो शादी कितनी हो गई? 16,109। लेकिन भागवत महापुराण में केवल 16,108 ही दी गई। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, इस तरीके से विवाह हुआ। और जो माता रुक्मिणी का